गॉड, कभी यकीन नहीं करेंगे कि मैंने शॉपिंग जल्दी कर ली थी और ट्रैफिक जाम में 1.5 घंटा लग गया। कुछ कहेंगे थोड़ी, बस वही जान जला देने वाली नजरें। मुझे पता था, इसलिए मैं ये प्रूफ लेकर आई हूँ। ये उन दो गाड़ियों के लाइसेंस प्लेट नंबर्स हैं जो मेरी गाड़ी के आगे और पीछे ट्रैफिक में 1.25 घंटे फंसी रही थी। अगर आपको सबूत चाहिए तो इन लाइसेंस प्लेट नंबर्स वालों से कांटेक्ट कर लें और पूछ लीजिए। ले
आपने यूनिवर्सिटी में वो दिखाई थी? आपका दिमाग नहीं थकता हर वक्त केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते? नहीं। मैंने भी एक बार कोशिश की थी, मेरा तो सर चकराने लगा था। कब तक पढ़ेंगे? कुछ देर और। सुमन बेगम सो गई शायद। हेलो। आप बहुत हसीन हैं और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। स्टुपिड। बंद मत कीजिएगा, आपको उसकी कसम जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। तुम कौन हो, ये किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हो? अजनबी बारल नहीं हूं। वो कैसे? जब आदमी 2 घंटे किसी के साथ रहता है तो अजनबी नहीं रहता। मैं और आप कल 2 घंटे साथ रहे थे, बस जरा सा फासला था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे भाई, कल ट्रैफिक जैम में मैं आपकी अगली वाली गाड़ी में था। ओ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? और सुनो, आइंदा फोन मत करना।
कैसी लग रही हो? अच्छी। बस इतना ही और क्या कहूं? हेलो, कभी सुनहरा चांद देखा है? आपने फिर फोन किया? मुझे सेवी कहते हैं। कहते होंगे आप आइंदा। आपका नाम भी आप ही की तरह खूबसूरत होगा। मुझे मिसेस मुहिउद्दीन कहते हैं। सुनकर अफसोस हुआ, क्या मौसूफ जिंदा है? जी हाँ। ये तो और भी बुरा हुआ। Shut up. और आइंदा यहाँ फोन मत करना। बस एक बात और बता दे, आइंदा फोन नहीं करूंगा। क्या बात है? परसों आपने मेरी और पिछली गाड़ी का नंबर नोट किया था। एक्चुअली आपके नंबर नोट करने की वजह से ही मुझे आइडिया मिला और मैंने आपकी गाड़ी का भी नंबर नोट कर लिया। देखे आप जो कोई भी है, अब आपको पता चल चुका है कि मैं मैरिड हूँ, तो प्लीज अब फोन मत कीजिएगा। ओके 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 ओके, मगर मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आपने नंबर क्यों नोट किए थे? मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको कोई भी बात बताने की। बताइए ना, कम से कम चंद लम्हे और झरनों की महसूस होती रहेगी। झरनों का ताल्लुक आपकी आवाज से है। सच कुछ लोगों के गले में कुदरत बोलती है, आप उन्हीं में से एक हैं। मैंने आपकी आवाज की तारीफ की है, आपको चुप क्यों लग गई? मिस्टर सेवी, आपने फोन ना करने का वादा किया था। आपने मुझे उठाया के लिए नाश्ते के लिए? हर रोज तो आप खुद ही उठती हैं। अगर थकन की वजह से आंख देर से खुली तो आप मुझे उठा नहीं सकते थे? अब इतनी जल्दी नाश्ता कैसे बनाऊं मैं?
आदमी कुछ कहता क्यों नहीं है? कुछ तो बोले, लड़े झगड़े डांटे गालियां दे दे। कल भी 3 बजे ही सेवी ने फोन किया था। हेलो। बहुत नाजुक हैं आप। आपने कल वादा किया था कि आप फोन नहीं करेंगे। मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है, तो वादा तोड़ दिया। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? आप बहुत हसीन हैं और हमें हुस्न अच्छा लगता है। अब इतनी भी हसीन नहीं। अरे कमाल है, आपके घर में आईने नहीं है क्या? या आपके शौहर ने कभी आपको आपके हुस्न की तफसील नहीं बताई? तफसील? तो आप हंस रही हैं। वो तो जरूरत की बात नहीं है, बस हम हाँ करते रहते हैं और कभी कभी हाँ की जगह सिर्फ गर्दन हिला देते हैं। रियली? इट्स अ फैक्ट। अक्सर हम या बीवी 3-3 घंटे पास बैठे रहते हैं, बस मेरे को बात ही नहीं होती। हाउ बोरिंग। इतनी दिलकश आवाज वाली बीवी को चुप रहने देते हैं। अच्छा, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने मना किया था ना? हम में बातें खत्म हो जाती तो कहता 2 का टेबल पढ़, नहीं तो 1 से 100 तक गिनती ही पढ़ती रहो। मगर खामोश मत रहो, कुछ ना कुछ कहती रहो। तुमने अपनी आवाज के तरन्नुम को महसूस किया है कभी? सेवी साहब, इतना खूबसूरत नाम है और आप साहब लगाकर बिगाड़ रही है। जरा साहब के बगैर कहिए तो सेवी। सेवी प्लीज। इसी बात पर कल 3 बजे पहुंचता।
तो ये है मौसूफ का घर। मुझे भी ऐसे ही खूबसूरत घर में रहना चाहिए। सुनो, तुम बाज नहीं आओगे ना? अपने हस्बैंड से शिकायत करो तुम्हारी। तुम जितने जख्म लगाओगे हम उतने जश्न मनाएंगे। तुम करते क्या हो? ये बातें बनाना कहां से सीखा तुमने? तुमसे मुखातिब होने का सब। अगर ये बात होती ना तो मुहियुद्दीन को तो शायरी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो तो केमिस्ट्री के मजमून की तरह खुश्क, हिसाब के हिंसों की तरह बेजज्बा। आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और जब आपको देखा और सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, और बस अब आपको फोन करता। हैरत है, तुम मेरी आवाज सुनकर इतना कुछ कह डालते हो, और वो मेरे पास होते हुए भी कुछ नहीं कहते। और शायद यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है। हाँ, उनके होते हुए भी मैं बिल्कुल तन्हा। मेरी जिंदगी तो जैसे एक सहरा है, जहां ना कोई आवाज है, ना जज्बे, सिर्फ धूली धूल। लेकिन तुम्हें मुझसे तो जवाब मिल रहा है। सुनो, कोई आगे आगे आप देखिए। हेलो। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी। हाँ सलीमा, मेरे हस्बैंड आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। नहीं नहीं सुनो, बाद में फोन मत करना, मैं आज बहुत बिजी हूँ, कल बात होगी। ओके। सुनो सुनो सुनो, बॉटम लाइन तो सुन लो। I love you.
आपने कभी प्यार किया है मुहिउद्दीन? कभी तो मेरी बात का आप जवाब दे दिया करें। इस बेतुके सवाल का क्या जवाब दे सकता हूं मैं? बेतुकी ही सही, मुझसे बातें करें। देखो, ये मेरे मुताले का वक्त है और हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। आपने घर को भी कॉलेज बना रखा है, बीवी के लिए भी तो कोई टाइम होना चाहिए। क्या मेरा आपके वक्त पर कोई हक नहीं है? की अदायगी में कोताही नहीं की। फराइज के अलावा मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग भी तो होती है। आपको मेरी आवाज कैसी लगती है? और मैं जाहिर है अच्छी। जब आप मेरे पास होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बस ठीक है। कैसे मैं बताऊं तुम मेरे लिए क्या? पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था ना, तो मेरी तो चीख निकलते निकलते रह गई थी। क्यों, क्या कम शक्ल है वो? कुछ ज्यादा ही। सीरीज ही इज वेरी अगली। एक मुसलसल कराहियत का शिकार रही हूँ मैं। वो तो अब हनी दरमियान में सोता है तो एहसास कुछ कम हुआ है। कैसे जी रही हो तुम? मत पूछो, मैंने तो इसे भी कबूल कर लिया। वैसे तो एक बदशकल आदमी कोई अच्छी बात भी करे तो बुरी लगती है, लेकिन मेरी बेबसी देखो सेवी, मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई बात करे, कुछ कहे, मेरी तारीफ करे। ये तो एक प्लस पॉइंट है कि तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें
डांटते नहीं है? नहीं, ये तो उससे भी बड़ा अजाब है। वो मुझसे कुछ भी नहीं कहते, मगर मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी मुझे घूर के देखते हैं। गुस्से की नजर, शक की नजर, बस नजरें ही नजरें। इतनी खामोशी है मेरे इर्द गिर्द। मेरी आवाज नहीं गूंजती इस खामोशी में? तुम कैसे हो सेवी? मेरा मतलब देखने में कैसा है? तुम्हारे मियाँ से भी ज्यादा भयानक। दो लंबे लंबे कान जिनकी चोंचें निकली हुई, दांत जो बाहर को निकले हुए, और आंखें, भेंगी आंखें। अच्छा कोई आ गया? हाँ, टैबलेट नहीं ली थी? नहीं, खत्म हो गई थी। मैं कल नई लाई थी, आप देख तो लेते, आपके पास ही दराज में रखी थी। बहुत ख्याल है आपको। ये दवा आपकी जिंदगी है। क्या कहा था डॉक्टर ने? अगर दो दिन भी टैबलेट ना ली तो खुदा ना खास्ता आपके दिल पे असर पड़ सकता है। लीजिए, अभी खाइए मेरे सामने। Thank you.
हेलो गुल कहूँ खुशबू कहूँ सहरा कहूँ आखिर क्या कहूँ मेरा नाम समन है ब्यूटीफुल मगर क्या मैं तुम्हें सुमी कह सकता हूँ सेवी तुम्हारी हर बात मेरी हर बात तुम्हारी तरह बात करूं कहो सेवी तुम्हारी हर बात की दस्तक सीधी मेरे दिल के दरवाजे पे पड़ती है अब मेरा रंग तुम पे चढ़ रहा है पता है आज तुम्हारे फोन आने से पहले जिस तरह मैं तैयार हुई वैसे कभी मोहिद्दीन के आने के वक्त तैयार होने को दिल ही नहीं चाहता अच्छा सेवी तुम हर बात मेरी मर्जी की करते हो जो मुझे चाहिए और एक मोहिद्दीन है मुझे समन बेगम कह के बुलाते हैं पूरे 50 साल के हैं वो मुझसे 20 साल बड़े तो ये बात है उस उम्र तक तो वो कई बार प्यार कर चुके होंगे उस बेचारे से किसने प्यार किया होगा वैसे पता मैं कभी कभी सोचती हूँ मोहिद्दीन रोमांटिक हो के कितने फनी लगेंगे मुझे तुमसे हमदर्दी है मोहिद्दीन ने तो मुझे कभी कोई गिफ्ट भी लाकर नहीं दिया ना कोई फूल ना गजरे कभी भी कुछ भी नहीं अरे ये हनी कैसे उठ गया हनी की खातिर मुझे सारी उम्र मोहिद्दीन को बर्दाश्त करना पड़ेगा कभी कभी तो मुझे इस पे इतना गुस्सा आता है कि दिल चाहता है कस के थप्पड़ मारूं किसे मोहिद्दीन को अच्छा तुम हनी को संभालो फिर बात करेंगे ओके तो तुम्हारे 2 बड़े-बड़े दांत बाहर निकले हुए हैं और तुम्हारी आंखें महंगी हैं हाँ मगर तुम्हें इससे क्या मैं जैसा भी हूँ तुम बिल्कुल एक ख्वाब की तरह एक सुहाने ख्वाब की तरह आज मैंने तुम्हें देखा था कैसे कब कहाँ बस देख लिया और यकीन जानो तुम्हें देखकर एक अजियत सी हुई तुम्हें देखने के बाद जब मैंने मोहिद्दीन को देखा तो मुझे लगा जैसे जैसे किसी ने मुझे जन्नत से निकालकर दोजख की आग में धकेल दिया हो सेवी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ Ah!
चार दिन पहले तो नई बोतल लाई थी। कॉलेज ले गया था मैं, पुरानी वाली है। मोहिउद्दीन, ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? मैं डॉक्टर को फोन करके
जी सेवी में समन हूँ। ओ तो आप हैं समन? हाँ याद है 3 महीने पहले? याद है। तुमने 3 महीने से फोन ही नहीं किया। अब फोन करने का क्या फायदा? नहीं मैं यही बताना चाह रही थी कि अब कोई हर्ज नहीं। क्या मतलब? वो मोहिउद्दीन की डेथ हो चुकी। सॉरी समन जी, मैं आपको फिर भी फोन नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि वो फोन पहले भी मैं नहीं किया करता था। वो जबान बेशक मेरी थी मगर अल्फाज किसी और के। वो फोन मुझसे कोई और करवाता था। कौन? सर मोहिउद्दीन। मैं कॉलेज का फ्लर्ट तरीन लड़का था। कई बार लड़कियों की शिकायत पर मुझे कॉलेज से निकाला जाने लगा तो सर मोहिउद्दीन ने मुझे बचाया। मुझे उनसे बहुत उनसियत थी। वो मेरे केमिस्ट्री के ट्यूटर भी थे और रोजाना 3 बजे मुझे यहाँ पढ़ाने आया करते। 3 बजे? एक दिन वो आए, मुझे एक फोन नंबर दिया और बोले बहुत माहिर हो लड़कियों को अपनी बातों में उलझाने में। सर बस कभी गरूर नहीं किया। बदतमीज। सर मेरे लायक कोई खिदमत? ये एक नंबर है, एक लड़की का जिसके साथ तुमने फ्लर्ट करना है। उसका नाम सुमन है। सर मगर क्यों? मैं उसे आजमाना चाहता हूं, देखना और जानना चाहता हूं। मगर सर ये है कौन? वो मेरी बीवी है। फिर सर, सर ये तो मुझसे नहीं होगा। यू हैव टू डू इट। मैं जानना चाहता हूं समन क्या सोचती है, क्या चाहती है, मेरे लिए उसकी क्या राय है। वो मेरे साथ मर्जी से रह रही है या मजबूरी से? मगर सर ये मजबूरी की क्या बात है? मुझ जैसे खुश्क आदमी के साथ
ایک جذبوں سے بھری خوبصورت عورت کیسے خوش رہ سکتی؟ میں سمجھتا ہوں, سب محسوس کرتا ہوں, لیکن سبھی مجبوری یہ ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اوکے سر, وہ جہاں اس صوفے پر بیٹھا کرتے تھے اور دوسرے سیٹ سے آپ کی ساری باتیں سنا کرتے تھے. آپ تو کچھ بھی شرمندہ نہیں جتنا دکھ انہیں ہوا کرتا تھا. آپ کی کچھ باتیں سن کر میں ان سے نظر نہیں ملا پاتا تھا اور کچھ باتیں سن کر وہ مجھ سے نگاہ نہیں ملا پاتے تھے, مگر جواب نہیں سر میری دین کے آساب کا, آنسو پہنچ کر پھر مجھے کیمسٹری پڑھانے بیٹھ جاتے تھے. یہ باتیں سن سن کر بہت کوڑا کرتے تھے سر, اب آپ ان باتوں کو بار بار سن کر شرمندہ ہوتی رہیے گا. اب آپ جا سکتی ہیں. پہلی بار جب میں نے انہیں دیکھا تھا نا تو میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی. کیوں, کیا کم شکل ہے وہ؟ کچھ زیادہ ہی. سیریز از ویری اگلی. ایک مسلسل کراہیت کا شکار رہی ہوں میں. تو ہانی درمیان میں سوتا ہے تو تمہاری ہر بات کی دستک سیدھی میرے دل کے دروازے پہ پڑتی ہے. اب میرا رنگ تم پہ چڑھ رہا ہے. آج تمہارے فون آنے سے پہلے جس طرح میں تیار ہوئی, ویسے کبھی محی الدین کے آنے کے وقت تیار ہونے کو دل ہی نہیں چاہتا.
तुम्हें देखने के बाद जब मैंने मोहिउद्दीन को देखा तो मुझे लगा जैसे जैसे किसी ने मुझे जन्नत से निकालकर दोजख की आग में धकेल दिया हो। सेवी, सेवी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कभी कभी तो मुझे इस पे इतना गुस्सा आता है कि दिल चाहता है कस के थप्पड़ मारूं। किसे? मोहिउद्दीन को। मोहिउद्दीन, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये सोच करके औरत इजहार चाहती है, सराहा जाना चाहती है, बातों का जज्बों का तबादला चाहती है। मुझे नहीं पता चल सका, मुझे नहीं पता चल सका तुम इतने बड़े इंसान, तुम्हें सब कुछ पता था, तुम कुछ नहीं बोल, अंदर ही अंदर सिसकते रहे, तड़पते रहे। मार डाला हुआ। ये गोलियां कहाँ गई? मैं चार दिन पहले तो नई बोतल लाई थी। कॉलेज ले गया तो है।